नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि बच्चे डिग्री धारी तो बन पा रहे हैं लेकिन संस्कारों से दूर भी हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को छंद अनुसार रामचरितमानस तक पढ़ना नहीं आता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बाल कल्याण समिति ने निरीक्षण किया तो कई मदरसे अवैध पाए गए जिन्हें शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड दोनों से ही अनुमति नहीं है। मदरसों की आड़ में मानव तस्करी कर बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर लाया जा रहा है। यह सारे षड्यंत्र नहीं चले इसलिए शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड से अनुमति लेकर ऐसे मदरसों को बंद किया जाएगा। जी, मैंने आग्रह ये किया था, ये भी हमारी बाल कल्याण समिति ने औचक निरीक्षण किया और कई अवैध मदरसे जिन्हें शिक्षा जगत से और मदरसा बोर्ड दोनों से अनुमति नहीं थी वो संचालित किए जा रहे थे और वो ऐसी विकट स्थिति में संचालित किए जा रहे थे कि एक छोटे से कमरे में 40 बच्चे पाए गए। वो सब बच्चे बिहार के थे, बहुत ही छोटे छोटे छोटे। तो चिंता ये होती है कि कहीं इन अवैध मदरसों की आड़ में मानव तस्करी, बच्चों को बंधुआ मजदूर बना कर लाना, ये सारे षड्यंत्र नहीं चले। इसलिए ये कहा, आदेश दिया, विभाग से भी बात की कि कोई भी वो मदरसा जिसको मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए। जी देखिए, रामचरितमानस भारतीय अध्यात्म की रीढ़ है और आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को, इसके संस्कारों को समझे, अपने जीवन में समाहित करे, ये अपेक्षा है। पर आप भी जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के चलते अभी आप बड़े बड़े डिग्रीधारी 65 साल में ढूंढेंगे। मैंने ऐसा बहुत प्रयोग किया है महाविद्यालयों में जाकर कि गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को भी पूछा कि बेटा थोड़ा रामायण पढ़ के बताइए, तो छंद, दोहा और सौरठा किस रिदम में कैसे पढ़ा जाता है वो नहीं पढ़ पाए। तो बच्चे डिग्रीधारी तो बन रहे हैं लेकिन वो संस्कारों की पाठशाला है रामचरितमानस, उसके साथ जुड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सद्गुणों को हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारने का संकल्प करे। इस संकल्पना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई है और रिजल्ट भी ऑनलाइन होगा और जो सर्वाधिक अंक लाएंगे विद्यार्थी जगत से 4 और जन सामान्य से 4, ऐसे 8 लोगों को हवाई टैक्सी से अयोध्या जी के दर्शन कराए जाएंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.